मॉर्निंग, आज के मेरे दिन की शुरुआत होने वाली है जिम के साथ। आप लोगों को पता है कि मुझे एक शोल्डर इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 10-15 दिन से अभी तक जिम नहीं गया। बट टुडे आई हैव डिसाइडेड कि मैं वहाँ जाके एटलीस्ट कार्डियो वाला कुछ कर सकूँ। सो मैं जा रहा हूँ आज जिम। एक घंटे का वर्कआउट करने के बाद अब हम पियेंगे प्रोटीन। मॉर्निंग एवरीवन, और मैं निकल चुका हूँ मेरे ऑफिस के लिए। हमारा जो जसवंत नगर वाला जो ये गलियाँ हैं ना, ये बहुत खतरनाक गलियाँ हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है। और हम चल चुके हैं हमारे ऑफिस की तरफ, और आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आई एम डूइंग फ्यू डिफरेंट थिंग्स, जिसमें एक मसाज है, यू नो, थाई मसाज। आई नीड ए थाई मसाज। तो थाई मसाज के साथ साथ मैं जाऊंगा आज फूड टूर पे। तो एज सच अभी तक यही मेरा प्लान है आज का, और कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। स्टे ट्यून। ये है ये ब्यूटीफुल रास्ता जो मैं हर दिन सुबह उठ के देखता हूँ, और दिन में 3-4 बार ये रास्ता मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचाता है। तो आई जस्ट लव दिस रास्ता। आजकल मेरी हेयर स्टाइल का भी एक अलग ही स्टाइल हो रखा है, हर दिन एक कुछ नया निकल के आता है। और आज मैं नागराज की तरह, ये पता नहीं कौन सी स्टाइल निकल के आई है, आप ये देख सकते हैं। तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी हेयर स्टाइल मुझे ज़्यादा सूट कर रही है। वैसे कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बताते रहते हैं कि अच्छा, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट कभी कभी मुझे लगता है कि अपन को हेयर स्टाइल कंटिन्यू रख लेनी चाहिए यार, जो भी आप हेयर स्टाइल कर रहे हो, है ना। और मैं मेरे ऑफिस पहुंचने वाला हूं, और जनरली क्या होता है कि मैं जब ऑफिस पहुंचने लगता हूं, उससे पहले मैं मेरे बंदे को कॉल कर देता हूं कि भाई नीचे आ जा, फटाफट मेरा बैग वैग ले ले, क्योंकि मुझे मेरी कार को पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है। तो अभी मैं कॉल करूंगा मेरे बंदे को, मतलब मेरे ऑफिस वाले बंदे को, और वो आएगा, वो सामान पिक कर लेगा। आज सुबह सुबह ट्रैफिक हो रखा है, क्योंकि आज हमारे इनका जन्मदिन है, ये लोग हमारे प्यारे से गणेश जी का जन्मदिन है, इसलिए आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रखा है। और क्योंकि मेरा ऑफिस गुप्ता स्टोर के पास में है, तो यहाँ तो हमेशा ही ट्रैफिक मिलता है। और ये रहा हमारा ऑफिस, और ये रहे हमारे नवरतन जी, इनका नाम है मिस्टर नवरतन, और इनका नाम बहुत ही सोच समझ के रखा इनके पिताश्री ने। नवरतन जी, कैसे हैं आप? और ये वाला बैग और ले लेना। तो नवरतन जी मॉर्निंग में मेरे सारे बैगेज मेरे से कलेक्ट करते हैं, और ऑफिस में एसी ऑन करते हैं। क्यों नवरतन जी? आने के बाद, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे गणेश जी की पूजा। सो फाइनली आई एम गोइंग फॉर मसाज। यू नो, मेरे शोल्डर में भी पेन हो रहा था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे एक मसाज की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर थाईलैंड यहाँ जयपुर में मसाज ली नहीं, और बिफोर कोविड एक जमाना था कि मतलब वीक में एक या दो बार मसाज ले लिया करते थे। तो मुझे लग रहा है वो टाइम वापस आ रहा है, और अब ऐसा चलता रहेगा मसाज वाला सीन। सो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ मसाज करवाने। जयपुर वैशाली नगर में एक स्पा है जिसका नाम है थाई गंगा स्पा, जहाँ पे आज हम करवाने वाले हैं मसाज। एंड आई नीड ए वेरी गुड मसाज, बिकॉज अपनी जो ये यहाँ बहुत भयंकर एक इंजरी हो रखी है,
तो मैंने हार्ट प्रेशर के साथ में वो मसाज चूज की है, एंड लेट्स सी मसाज होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसी है। ये है गंगा थाई स्पा का मसाज सेंटर, यहाँ पे आपका ये बेड बोलते हैं शायद इसको, अभी ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी अंडर रिनोवेशन ही है, मतलब अभी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। ये यहाँ पे इन्होंने बाथ टब दे रखा है, बाथ टब बोले तो मतलब नहाने वाला बाथ टब, और ये हैंडसम हॉर्न है यार, यू नो हिम है ना। सो आई एम रेडी फॉर मसाज फॉर टुडे, आई एम वेरी एक्साइटेड। यू नो जयपुर में मैं बहुत पहले मसाज करवाया करता था, बट अब काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने मसाज नहीं करवाया, और मतलब मैं अभी थाईलैंड गया था तब मैं जरूर मसाज करवाया था, बट अभी तक मैंने मसाज नहीं करवाया। सो एक घंटे के बाद आई एम फीलिंग सो रिलैक्स इस मसाज के बाद, एंड मुझे ऐसे नींद सी आ रही है भयंकर वाली, और मुझे लगता है मैं शायद 10-15 मिनट के लिए सो भी गया, तो बहुत अच्छी रही मसाज, 10 out of 10 है इस मसाज। सो आफ्टर मसाज आई एम फीलिंग वेरी यू नो चिल, मुझे बहुत ऐसे ऑलमोस्ट नींद सी आ रही है, दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ बाई गॉड यहाँ। तो मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने, तो एक कॉफ़ी पीने के बाद में थोड़ी सी एनर्जी वापस आएगी, और आज मुझे जाना है मेरे फूड टूर पे भी, तो फूड टूर में मुझे अलसी सर हवेली जाना है। वैसे मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूँ अलसी सर हवेली, बट आज मैं आप लोगों को वापस दिखाऊंगा कि अलसी सर हवेली कैसी है। इट्स टाइम फॉर लंच, और मैं आपको दिखाता हूँ मैं मेरे खाने में क्या खाता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं खाना खाते टाइम नेटफ्लिक्स देखता हूँ, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं खाना हमेशा बहुत ही हेल्दी खाता हूँ। ये इसमें दाल है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ये यू नो ये क्या है, ये है मेरी फेवरेट एक मिठाई, और यहाँ पे हैं आपके एग्स। तो ये है बेसिकली मेरा लंच, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रोटी ना खाऊं। एक्चुअली आज का जो मेरा ब्रंच और डिनर होने वाला है वो होने वाला है इस रेस्टोरेंट में, द बिग ट्री कैफे, जहाँ पे आज मैं खाने वाला हूँ डिनर। और रेस्टोरेंट सीरियसली बहुत अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, ये है अजमेर रोड पर, और डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे विजिट करना चाहिए। आप लोग बिग ट्री कैफे में आते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये कपल्स के लिए परफेक्ट जगह है, इवनिंग शानदार, आप उस तरह के वो कबाना है कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं वो भी बुक कर सकते हैं अपने लिए, जिसकी रेट है 4,000 rupees। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ आते हैं तो आप डेफिनेटली 4,000 rupees में बुक करा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं आपके पार्टनर के साथ एक बहुत ही शानदार और रोमांटिक इवनिंग। सो फाइनली मेरा लज़ानिया आ चुका है, एंड आई एम गोइंग टू हैव लज़ानिया टुनाइट। यू नो ये मेरी फेवरेट डिश है लज़ानिया, और जिन लोगों को नहीं पता, मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं वो वेज लज़ानिया भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया, तो मुझे प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, और मैं जा रहा हूँ हेल्थ कार्ड की शॉप में। ये है वो प्रोटीन की शॉप जहाँ से हम प्रोटीन लेके हमारी बॉडी बनाते हैं। मैंने परचेज किया है मसल ब्लेस का ये वाला प्रोटीन, आइसो ज़ीरो लो कार्ब्स, और एक ये पीनट बटर, पीनट बटर का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये है आज की परचेजिंग, अगर आप वैशाली नगर में आते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं हेल्थ कार्ड से, यहाँ अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्यों मैं ये बात सही कह रहा हूँ, अगर कोई मेरा नाम लेता है, इधर देखो इधर, 10% दोगे या नहीं दोगे, देख लो, आपको हेल्थ कार्ड वालों ने बोल दिया है, एब्सोल्यूट अभी का नाम लो और 10% का बम्पर डिस्काउंट ले लो। आज के दिन की लास्ट शॉपिंग ये मूसली, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और हमारी बसंती वो खड़ी
ये हमारी बसंती यहीं पे खड़ी है और हम लेके आ चुके हैं मूसली, और आज के दिन की हमारी लास्ट शॉपिंग डन हो चुकी है। फाइनली रात के ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ मेरे घर पे, एंड इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करते रहें, और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अडियोस।